गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग श्रेयांश डायरीज। कैसे हैं आप सब? हेलो। आज की शुरुआत बारिश के साथ, और कल रात से ही लगातार बारिश पड़ रही है और अभी भी सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही है और हमें जाना है हॉस्पिटल। चलो उठाते हैं गन्नू को। मॉर्निंग। गन्नू यहाँ पे सो रहा है। मॉर्निंग गन्नू, हम जा रहे हैं, चलो जल्दी। आपको नहीं जाना, आप यहीं पे रहोगे? ठीक है, चलो हम जा रहे हैं, बाय। उठ जाओ। मॉर्निंग, डैडी तो रेडी भी हो गए, हम जा रहे हैं कार से। आज खुलेगी आंख की पट्टी, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और आज हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं कैब से, क्योंकि गन्नू के डैडी के आईज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी दिखाना है, सो उनकी आईज़ डायलाइट होंगी, सो इसलिए हम अपनी गाड़ी से नहीं आए। दूसरा, हमारी गाड़ी का कल टायर कट गया था जब हम आए थे, तो वो गाड़ी इसी वजह से भी नहीं ला पाए हैं। सो अब हम आए हैं कैब से और अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, और हो रही है हल्की हल्की बारिश, और आज खुलेगी पट्टी। उसके बाद देखते हैं कि विज़न कैसी आती है, बताते हैं आपको आगे का अपडेट। ओके। और यहाँ खुल चुकी है पट्टी और लग गया है अब काला चश्मा, और उनकी विज़न हो गई है क्लियर, अब उन्हें दिख रहा है सब कुछ। सो चलो, ऑपरेशन कराने सक्सेसफुल रहा हमारा। अब हम जा रहे हैं नीचे फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पे अब होगी आईज की टेस्ट मशीन से कि कितना विज़न क्लियर है, कितना क्या है, और उसके बाद डॉक्टर सब कुछ देखने के बाद तब क्लियरेंस देंगे, और फिर हम तब जाएंगे अपना घर। और यहाँ पे हम कर रहे हैं वेट, और वहाँ अंदर जा रहे हैं वो डॉक्टर के पास, और आईज सारा चेकअप हो चुका है और सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हो चुकी है हमारी। सो अब हम निकलेंगे घर के लिए, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रुकेगी, और भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो गन्नू कहने लग गया पहले कुछ खिला दो। और गन्नू के डैडी ने भी दिखा दिया है डॉक्टर को, और उनको थोड़ा ब्लड दिखता है दूर का, सो चश्मे के लिए तो पहले डॉक्टर मना कर रहे थे, बट बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने उन्हें। कैसा रहा तुम्हारी आईज में, क्या बताया? मेरी आईज में बताया कि थोड़ी सी वीक है, चश्मा बनेगा। नंबर दिया है? और इनकी आईज का क्या बताया? अच्छा, अब विजन कैसी है? क्लियर हो गई? नहीं, छोड़ो बेटे, गन्नू वो रैंप है, आप फिसल जाते हो वहाँ पे, देखो वहाँ इधर इधर आ, देख तेरी वीडियो बना रही है अभी, देख। नहीं मैं नहीं। और हम आ गए थे कुछ खाने के लिए, और अब हमने खाने के बाद मम्मी के लिए भी ले आए थे खाने के लिए, वो खा रही हैं सैंडविच, और हमने कर दी है कैब बुक। बेचारा गन्नू भी परेशान हो गया, हॉस्पिटल आ गया। आज सुबह क्या कह रहा, आप मुझे सोने क्यों नहीं देते रहे हो जो हॉस्पिटल लेके जाते हो? घूम रहा था छाता लेके। कौन सी कलर की वो पहन रखी टी शर्ट? ब्लू। और पैंट? दो काली एक ब्लू। ऑपरेशन मुझे अभी कराना नहीं है। गुड्डू से बंद कर दो आप। और हमारी कैब आ चुकी थी और अब हम जा रहे हैं घर,
और काफी तेज बारिश हो रही थी। देखिए कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी तेज बारिश हो रही थी। फिर घर आने के बाद हम लोगों ने पी चाय और फिर हमने किया थोड़ा सा रेस्ट। और आज आपको दिखाते हैं जो सामने हमारे फ्लैट्स बने हैं इनके अंदर का व्यू। और वो किचन थी स्टार्टिंग में, और ये 3 BHK बना हुआ है, और ये यहाँ से फर्स्ट रूम है, और ये रूम है पूरा, इसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और वहाँ पे साथ में ही बालकनी है। और ये जो ड्राइंग रूम है कॉमन हॉल है, उसके साथ अटैच टॉयलेट है, और ये ओपन है पूरा यहाँ से, और इसी के साथ में एक रूम यहाँ पे है, और इसी के बगल में सेकंड रूम है यहाँ पे, और दोनों रूम के साथ बालकनी अटैच है, वहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। और अब हम जा रहे हैं बाहर, गनू का कुछ लाना था हमें स्कूल का सामान, सो हम जा रहे हैं बाहर, और हमें लेनी थी सब्जी भी। और अभी बारिश रुकी हुई है थोड़ी सी देर के लिए, तो हमने सोचा जाके फटाफट ले आते हैं। अब तक मेरी वीडियो भी नहीं बन रही थी बंद करी हुई थी मैंने। और बन चुका है हमारा डिनर मशरूम, और ये मैंने गनू का स्कूल का प्रोजेक्ट रेडी कर दिया है, इसका जो क्राफ्ट का काम मिला था। और खुलना था गन्नू का स्कूल 10 तारीख से, बट इतनी हैवी रेन हो रही है उसकी वजह से कर दी गई है छुट्टी। सो कल हो गई है गन्नू की छुट्टी, अब गन्नू करेगा मज़े। यहाँ पे गन्नू हो रहा था गुस्सा, उसको चाहिए थी वॉच, और काफ़ी देर हो गई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।